हिंदू शास्त्रों में शिव के रौद्र रूप को काल भैरव और बाबा भैरवनाथ कहा जाता है, जिनकी पूजा का एक विशेष महत्व है, जो कि कालाष्टमी के दिन भगवान शिव शंकर के इस रूप का जन्म हुआ था। इसीलिए हर वर्ष कालाष्टमी के दिन ही काल भैरवी जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है वो नकारात्मक शक्तियों से दूर रहता है और उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में भैरव देव की विधिवत पूजा से व्यक्ति के मन से भय दूर हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भैरव भक्तों का भरण पोषण करने वाला देवता है। काल भैरव की उपासना से शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रह शांत हो जाते हैं। भैरवनाथ को अगर उनका प्रिय प्रसाद चढ़ाया जाए तो ये तुरंत लाभकारी है। भैरवनाथ अकेले ऐसे देवता है जिनको प्रसाद में मदिरा प्रिय है और मान्यता है कि शराब के प्रसाद से भैरव देव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, मदिरा यानी शराब क्यों? प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में देवी देवताओं को तीन रूप में आराधना की जाती है, सत, रज और तम, अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसका कि शास्त्रों में भी वर्णना किया गया है। जो कि भैरव बाबा को तामसिक रूप में पूजा जाता है, इसी कारण इसीलिए शराब चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि भैरव को शराब चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भैरव रात्रि की देवता है, इसी कारण इनकी साधना का समय मध्य रात्रि यानी रात के 12 से 3 बजे के मध्य का होता है। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम हमारा समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाइयों के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। ऐसे तो काल भैरव का मंदिर कई स्थानों पर है जिनकी मान्यता भी है, परंतु मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित काल भैरव मंदिर सबसे सुप्रसिद्ध है। हजारों वर्ष प्राचीन ये मंदिर उज्जैनी शहर से 8 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। काल भैरव के इस मंदिर में काल भैरव को मदिरा पिलाने की प्रक्रिया हजारों वर्षों से चली आ रही है। यहाँ स्थित काल भैरव की प्रतिमा मदिरा का सेवन करती है, लेकिन मदिरा जाति कहाँ है ये रहस्य आज भी बना हुआ है, जिसे दिखने हेतु यहाँ देश दुनिया से ढेरों लोग पहुँचते हैं। हालांकि ये प्रथा कब, कैसे और क्यों शुरू हुई ये कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोग और पंडितों का कहना है कि वो बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण भी कर लेते हैं। उनके पूर्वजों के अनुसार ये एक तांत्रिक मंदिर था, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। हालांकि अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का परंपरा आज भी पूर्ववत है। इस मंदिर की महत्वता को प्रशासन की मंजूरी मिली हुई है और विशेष अवसर पर प्रशासन की ओर से बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 वर्षों से भी पुराना माना जाता है। ये एक पारमार्गी तांत्रिक मंदिर है, जिसके अंतर्गत मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाई जाने की मान्यता होती है। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिक लोगों को आने की अनुमति थी और वो यहाँ आकर तांत्रिक क्रियाएं किया करते थे और विशेष अवसर पर काल भैरव को उनके द्वारा ही मदिरा का भोग चढ़ाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आज भी यहाँ आने वाले अधिकतर दर्शनार्थी बाबा को मदिरा का भोग लगाते हैं। हालांकि ये करना अनिवार्य नहीं है, ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। मंदिर का पुजारी गोपाल महाराज बताते हैं कि यहाँ पर विशिष्ट मंत्र के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित करके उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वे खुशी से स्वीकार भी करते हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं, उनकी दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की विशेष प्रकार से जांच करवाई थी, परंतु उनकी हाथ कुछ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास के स्थानों की खुदाई भी करवाई, पर उससे कुछ नहीं मिला, जिसके बाद से वो काल भैरव के भक्त बन गई। करीब एक दशक पहले मंदिर के विस्तार हेतु बाहर की ओर निर्माण कार्य करवाया गया था। इस निर्माण के लिए मंदिर के चारों ओर लगभग 12-12 फीट गहरी खुदाई की गई थी। हालांकि इस खुदाई का उद्देश्य मंदिर का जीर्णोद्धार ही था, परंतु इस खुदाई को दिखने हेतु लाखों लोग यहां पहुंचे थे, क्योंकि सभी ये जानना चाहते थे कि जब काल भैरव मदिरा का सेवन करते हैं तो ये मदिरा कहां जाती है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुदाई कार्य के दौरान ढेरों लोग आए, परंतु खुदाई में कुछ भी नहीं मिला। बताया जाता है कि समय समय पर अनेक वैज्ञानिक भी इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए आए, लेकिन वो भी इस चमत्कार को नहीं सुलझा सके। काल भैरव को दंडपाणी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा दंडा लिए होते हैं, जिसे वो दुष्टों का संहार करते हैं। हालांकि भैरव भगवान को हमेशा दुष्टों का संहार करने या दंडा हेतु ही नहीं, अपितु सजन को रक्षा हेतु जाना जाता है। काल भैरव के गले में रुद्राक्ष की माला होती, उनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव बाबा का सवारी कुत्ता है, इसीलिए कुत्ते को विशेष दिनों में खिलाकर बाबा को प्रसन्न किया जाता है। वैसे तो काल भैरव का रूप भयभीत करने वाला
वाला अवश्य है, परंतु ये बताना आवश्यक है कि भलाई ये देव क्रोधित देव है, परंतु वो भी शिवजी के समान ही बहुत दयालु भी है। भैरव नाम तीन अक्षर के मेल से बना है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से, वा का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इसी प्रकार भगवान शिव का ये रूप सृष्टि का रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है, जो सृष्टि का निर्माण या विध्वंस को भी प्रदर्शित करता है। शिव जी के अंश भैरव बाबा का ही अवतार की मान्यता है, जिनके उत्पत्ति समय समय पर भगवान शिव के द्वारा हुई। इसी कारण इनके जन्म से जुड़ी कथाएं भी विभिन्न है। पहली कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के मध्य स्वयं की महानता सिद्ध करने हेतु विवाद स्थापित हो गया। तब भगवान शिव ने दोनों देवों की परीक्षा ली। भगवान विष्णु ने तो अपनी पराजय स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य बोलकर भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिस पर शिव को क्रोध आ गया, जिसे काल भैरव की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली की नखों से भगवान ब्रह्मा का पंचमा मस्तक काट कर अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसी मस्तक से सत्य बोला था। हालांकि इस घटना से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जिसका निवारण काशी नगरी में जाकर हुआ। काशी में स्थित भगवान काल भैरव के मंदिर की भी बहुत मान्यता है, यहाँ भक्तों और साधारणों की भीड़ लगी रहती है। दूसरी कथा के अनुसार राजा दक्ष, जो कि माता सती के पिता थे, उनके इच्छा के विरुद्ध सती ने भगवान शिव जी को अपनी जीवन साथी चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं आते थे, इसीलिए सती के निर्णय से वो बहुत दुखी हुए। क्रोधित होकर उन्होंने भगवान शिव को अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आह्वान कर दिया, जिसके बाद सबको आमंत्रित किया गया, लेकिन सती तथा भगवान शिव को आमंत्रित नहीं भेजा गया। हालांकि सती को इस बात का जैसे ही पता चला, भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए वो निवेदन करने लगे। शिव जी ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी के आयोजन में जाना उचित नहीं होता। सती ने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच, वो शिव की बात न मानकर अपने पिता के घर चल गई, जहां सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व आदि उपस्थित थे। सती ने पिता के इस यज्ञ की आयोजन में भगवान शिव तथा स्वयं को ना आमंत्रित करने का कारण पूछा तो राजा दक्ष सबके समक्ष अपने कटु वचन से शिव जी का अपमान करने लगी। इस प्रकार अपने पति का अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। उधर ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती की आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे और राजा दक्ष के घमंड को चूर करने का निश्चय किया। भगवान शिव के उस क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। उन्होंने इसी क्षण काल भैरव से उस यज्ञ आयोजन में जाकर शोध लेने को कहा। काल भैरव का रौद्र रूप देखते ही यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भयभीत हो गई। क्रोधित काल भैरव ने राजा दक्ष का सर्ग धड़ से अलग कर दिया। कुछ क्षण में भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो गई। क्रोध में आकर वो सती के पार्थिव शरीर को उठाकर पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। शिव जी की इस क्रिया पर विराम लगाना अति आवश्यक था, अन्यथा तीनों लोगों का विनाश सुनिश्चित था। भगवान विष्णु ने इसी परिस्थिति से बचाव हेतु अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और सती के अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां बड़े शक्तिपीठ बन गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर की जाने वाले पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक अंत में काल भैरव की पूजा ना की जाए। तीसरी कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ऐसे में भगवान शिव ने अपनी तेज से 8 भैरव की रचना की। इन्हें अष्ट भैरव कहा गया, जिनके नाम थे असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। इन अष्टों भैरव की रूप शस्त्र, इनकी पूजा विधि भी भिन्न है। इन अष्टों भैरव के साथ अष्ट भैरविया की भी पूजा की जाती है, जो इनकी धागिनी भी है। इन अष्टों भैरव के साथ साथ अन्य भैरवों की भी रचना हुई। इस तरह कुल 64 भैरव बने, जो 8-8 के समूह में थे। इनका नेतृत्व हर 8 में से एक भैरव कर रहे थे। इन 64 भैरवों में से काल भैरव सबसे महान थे, जिनके नेतृत्व में सारे भैरवों को चलना होता था। काल भैरव की पत्नी को काल भैरव भी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। विभिन्न प्रांतों में काल भैरवी को माँ काली से जुड़कर ही दिखा जाता है। उस युद्ध में काल भैरव के कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप देवताओं ने दानव पर विजय पाई थी और उनके वध करने में सफलता पाई थी। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके लाल कलर के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरह नया नया वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। घंटी दबाने से वो वीडियो भी सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच पाएगा।